उसने गलत संगति की तो उसने अपने बाप को सताया, अपने बूढ़े बाप को उसने मारा। जब मारा तो गोकर्ण जी महाराज आए और उन्होंने अपने पिता को समझाया, पिता को समझाया। अच्छा ये बताओ, गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? कहा क्या क्या बताएं बेटा, तुम्हारा भाई धुंधकारी, जिस बेटे के लिए हम रोते रहे, हे भगवान एक बेटा दे दो, वही बेटा हमें मारता। तो रोना तो आएगा ना। तब यहाँ गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप अपने पुत्र को अपना मान रहे हैं, ये गलत है। अच्छा बताओ, आपका जो बेटा है वो आपका ही है? कन्फर्म है, हाँ या ना? मैया आपका बेटा जो है वो आपका ही है? फिर किसका है, किसका है? भगवान का। तो अच्छा ये बताओ, फिर आपका क्या है इस संसार में, इस धरा में आपका क्या है? जो आप बताओ भैया, आपका क्या है, आपका क्या है, क्या है आपका? गाड़ी, बंगला, फिर पत्नी आपकी है? है नहीं है तो किसकी है फिर? तो किसकी रखे हो भाई? पत्नी किसकी है, बेटा किसका है? चलो पत्नी और बेटा छोड़ो, ये बताओ ये शरीर जो है, क्या ये शरीर आपका है? इस शरीर में एक विनोद नाम का जीव रहता है। इस शरीर में एक घनश्याम नाम का जीव रहता है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण, वाह। इस शरीर में, इस हाड़ और मांस के शरीर में एक लक्ष्मी नारायण नाम का एक जीव रहता है। यदि आपके माँ बाप ने आपका नाम विजय रखा होता तो आज आप लक्ष्मी नारायण ना बता रहे होते, आज आप विजय बता रहे होते। आपके माँ बाप ने आपको अजय नाम दिया होता तो आप अजय, मतलब आपका नाम आपके माँ बाप ने दिया है, तो जो नाम है आपका वो आप नहीं है।